अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अशरफी गोट फार्म। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई। जिब भाई, अब ये तो कुछ अलग दिख रहा है, क्या ये? ये हमारी बर्बरी बकरी है माशाल्लाह। उसने 3 बच्चे डाली है। क्या बात करें, ये 3 बच्चे, ये कभी हुए जिब भाई? ये अभी 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अच्छा, आज तीसरा दिन है इनका। एक बकरी 3 बच्चे डाली है। 2 फीमेल है, 1 मेल है। माशाल्लाह, तो बच्चे देखो हमजा भाई बहुत खूबसूरत है, अल्लाह नजर से बचाए। ये खड़े कान के 3 बच्चे एकदम। हाँ, अभी तो प्योर ब्रीड। ये 3 बहुत प्योर दिख रहे हैं भाई। प्योरिटी में है हमजा भाई। अच्छा, ये माँ है। हाँ, जो बकरा भी जो है तो देखो वो है बकरा, उससे मेट हुई है। देखो प्योर ब्रीड लाइन का बकरा है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये 3 बच्चे का बाप ये है। ये किसकी है बकरी जो भाई? ये फहीम भाई करके है, उनकी बकरी है। अच्छा, और भाई मैं बोलना चाहूंगा ये बकरा भी उनका ही है। अच्छा, ये बकरा भी उनका ही है। अच्छा, उन्होंने खरीदे बकरा ब्रीड कराने के लिए। तो दद्दू का ये 3 बच्चे एकदम हेल्दी है माशाल्लाह, मतलब। हाँ, एक थोड़ा कमजोर है। अच्छा, एक वीक है, थोड़ा हल्का कमजोर है। ओके, तो ये यहीं पे प्रेग्नेंट हुई थी? हाँ, ये बकरी हमारे पास पिछले साल से, लास्ट ईयर से। अच्छा, पिछले साल ही बच्चे दिए इसने? हाँ, बड़े भी हुए बच्चे। अच्छा, बड़े भी हो गए बच्चे माशाल्लाह। और ये मेल कभी से अपने पास? ये भी साथ में आए थे सब। अच्छा, सब साथ में ही आए थे। प्योरिटी देखो हमजा भाई उसकी। हाँ, एकदम माशाल्लाह अच्छे, एकदम खड़े कान का है, सिक्के भी अच्छे माशाल्लाह। तो ये बच्चे कितने दिन में देती हुई है भाई बकरी? ये 5 महीने लगाती है हमजा भाई। अच्छा, पूरे 5 महीने लगाती है? हाँ, पूरे 5 महीने लगाती है। अच्छा, और इसमें बकरी पालने में ना, मतलब बहुत हमजा भाई मेहनत का काम होता है। ऐसा नहीं कि बकरी लाए और छोड़ दिए बाड़ों में, क्रॉस हो गई। हाँ, इसमें कैसा होता है, जब बकरी गाब होती है तो उसके 2 महीने पे, जब गाब होती है दो, जो बाद के 2 महीने है उसमें उसको इंजेक्शन नहीं लगाना रहता। अच्छा, मतलब अगर बीमार भी हुई तो ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर जैसे बकरी कुछ होता है तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एकदम लाइट। अच्छा, मतलब हैवी डोज नहीं दे सकते उसको, बच्चे खराब हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे फेंक देगी बकरी। ओके, और क्या डिटेल है बकरी की बताएंगे तुम? बस यही हमजा भाई की बकरी, मतलब 5 महीने में बच्चा देती है। मतलब एक साल में 2 बार बकरी बच्चे देती है। तो ये हर टाइम 3 देती है? पिछले टाइम कितने बच्चे दी थी? 2 पिछले टाइम, 2 दी थी, इस टाइम 3 दी है। अच्छा माशाल्लाह, दूध वगैरह भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये सेल के लिए नहीं है बकरी। तो फहीम भाई शौक पूरे करते हैं? हाँ, शौक पूरे। और कितने हैं फहीम भाई के? और उनके पास बकरियां हैं, 2 बकरी और है। अच्छा, और बकरे 2। ओके, और उनके दूसरे बकरे भी है। अच्छा है, मतलब यहाँ पे आए हो बच्चे देखने? आए थे? नहीं, अभी नहीं आए। नहीं आए, ठीक है माशाल्लाह। हमजा भाई, ये बकरी जो बोलते हैं ना लोग के, बकरी का पैसा कम क्यों रहता है, जबकि बकरी का पैसा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, मेहनत है। अच्छा, केयर टेकिंग ज्यादा हो जाती है इसकी? इनको कैसा बीमार हो गए, यदि बीमार नहीं होते लेकिन जब होते अब गाब है तो इंजेक्शन नहीं मार सकते। मगर दूसरे के कंपैरिजन में तो बकरी फीड कम खाती है, ज्यादा खाती है? ज्यादा खाती है, बकरे से ज्यादा फीड खाती है। उसकी गीजा ना, अभी इसको अगर अपन फीड नहीं देंगे तो दूध बनाएगी, दूध बराबर नहीं आएगा। बकरी को दूध बहुत ज्यादा आता है, आता है बराबर। तो ये बच्चे अच्छे से खेलने लायक, बहुत अच्छे है। देखो अभी मैं छोड़ूंगा ना, जाएंगे छोड़ो ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है जो भाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमजा भाई। ये जो पहला वाला, ये फीमेल है क्या? हाँ, ये मेल है। अच्छा, ये मेल है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, मजा आ गया जो भाई। शुक्रिया हमजा भाई। तो जो भाई वीडियो इधर ही वाइंड अप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर कुछ अगली वीडियो रहेगी तो बनाएंगे जरूर। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।